हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवास लाइव। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं बंदेवी मंदिर। आज वहां का आप लोगों को सैर कराते हैं, बंदेवी मंदिर का। उधर डैम भी है। चलिए देखते हैं, हम लोग अभी तुर्रा में आ गए हैं। चलिए घूमते हैं बंदेवी मंदिर। आज हम लोग आ गए बंदेवी मंदिर। देखिए चल रहे हैं ऊपर, इधर भी सब देखिए दुकान है। ये देखिए बंदेवी माता का सीढ़ी। ये देखिए कितना सारा घंटा बंधा है यहाँ पे, सब मन्नत का है। ये हम लोग ऊपर में आ गए मंदिर। ये देखिए यहाँ पे नारियल, सब नारियल चुन्नी मन्नत का कितना सारा बंधा है। चलिए पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद। ये देखिए ये पूरा इधर मन्नत का वो है नारियल, ये माता जी का मंदिर। ये बंदेवी माता जी। बहुत सारा मन्नत का नारियल बंधा है उधर। इधर नारियल तोड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ अगरबत्ती लगाते हैं पूजा के बाद। इधर है पीछे का हिस्सा, इधर भी हर जगह नारियल है बंधा। यहाँ ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आप मन्नत मान के आप नारियल बांधिए तो पूरा हो जाता है। मेरा भाई भी बांधा था बरखू, अभी वो खोला नहीं है। चलिए देखते हैं उसका नारियल किसी ने खोला है कि खुल गया कि अभी नहीं। इधर तक देखिए, ये पीछे का एरिया है। इधर माता रानी का, माता रानी की नहीं, यहाँ शंकर भगवान है। इधर माता जी का है, इधर शंकर जी का है। उसके बाद इधर है दुर्गा माता का। और जिसका कथा पूजा पाठ शादी रहता है सब इधर होता है। चलिए देखते हैं मेरे भाई का नारियल किसी ने खोल लिया कि अभी वहीं पे है। ऊपर बंधा था,
इधर तो नहीं है। शायद किसी ने खोल लिया। ऊपर में ही बंधा था कि इधर घंटे में बांधा था? यही बंधा है वो। हाँ, हमको याद है कि वहाँ बीच वाले में हम बोल रहे उधर, ये बोले नहीं यहीं पे बंधा है। चलिए देखते हैं कहाँ बंधा था। उसको याद होगा बरकू को, वो भी बोल रहा था कि बीच में वहाँ एक ही ठो बंधा था, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता, लेकिन इधर बंधा है दूसरे का है। वो सब यहाँ पे है। बस यहाँ पे इतना ही है, इधर है। इधर पूरा जंगल एरिया, किट्टू उधर घूम रहा है। पता नहीं, देखिए मंदिर माता रानी का पर्दा लग गया। हमको लग रहा है कि अभी नहला उला रहे होंगे, चाहे यहाँ पे सब लोग देखिए मनता मान के अपना बांधते हैं नारियल चुन्नी। पूरा भी होता है बांधने पे, कि मेरा भाई बांध के गया है, इसका पूरा हो गया है। अभी वो आया नहीं खोलने के लिए, आएगा अब ये लॉकडाउन हटे तो आए खोले। उसका यहाँ है, यहाँ बंधा है। हमको याद है कि ऊपर बना था, लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं ये बंधा है। बरखों को पता होगा, बताना याद होगा तो कहाँ बांधे थे। ये है पर्दा। चलिए थोड़ा बैठ लेते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे घर। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे औरतें आके गाना गा रही हैं। अभी चलिए थोड़ा सा इनका भी लेते हैं। देखिए ये लोग यहाँ पे माता जी का गाना गा रही हैं। नहीं आ रहा है आप ये देखिए डैम इधर है। इस साइड है फटका। अभी बारिश ज्यादा हुआ नहीं है, इसलिए इसका पानी नहीं है ज्यादा। अरे धूप बहुत है। देखिए ये है
जब पानी ज़्यादा होता है तो वहीं ऊपर से उठता है फटका, तब नीचे गिरता है, तो उस टाइम अच्छा लगता है। वो बीच में पुराना पुल है, वो चालू नहीं है। इधर है ये रेणुकूट का बांध है, क्या इसका कुछ नाम भी है? वो रिहन बांध, किट्टू गाड़ी में ही बैठा है, उतरा नहीं। आ? पीपरी में। इधर का सीन देखिए कितना अच्छा है, चारों तरफ ये पहाड़ पेड़। चलिए धूप हो रहा है। एक देखिए इधर से रास्ता है जाने का डैम पे, यहीं से वो बिजली उत्पन्न होता है ना, यहाँ से नहीं आता बिजली, रेणु सागर से बोल रहे आता है, लेकिन यहाँ पे भी तो है, सब जाते हैं देखने बिजली का, यहाँ भी अंदर में है। हाँ यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी। हाँ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ से भी कुछ सप्लाई होता है बिजली का, अंदर है वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं सब, पहले शायद जाने देते थे क्या, एक दो लोग गए थे बता रहे थे बगल वाले। ले जाने देते थे, कोई आदमी गिर गया उसके बाद में। हाँ कोई दुर्घटना हो गया था इसीलिए सब नहीं जाने देते। लोग मंदिर से आए, भूख लग गया, बाटी चोखा दिखा, बाटी चोखा ले लें। दीजिए भैया, आएंगे? नहीं नहीं पैक कर दीजिए। कितने की? 30 का पैक करिए। चोखा भी दे रहे हैं ना? हाँ पैक कर दीजिए। बाटी चोखा पैक करवा रहे हैं यहाँ पे, खाने के लिए तो नहीं है खाने लायक यहाँ पे सब है। पैक कर दिया बाटी चोखा, चोखा पेपर में ही दिया। ये है तुर्रा। अब हम लोग आ गए मंदिर से रूम पे, अब चल रहे हैं नाश्ता वास्ता करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।